अच्छा बीवी मालदार हो और शौहर गरीब हो तो घर के खर्चे कौन संभालेगा, बीवी या शौहर? बीवी मालदार है, हाँ हो सकता है करोड़पति हो, शौहर बेचारे उसके पास कुछ पैसे नहीं है, तो घर के खर्चे कौन संभालेगा, जिम्मेदारी किस पर है? जी एक हदीस है कि एक साहबा ने अपने शौहर को जकात का मतलब एक हदीस आई थी, तो बस उतना ही मेरे को मालूम। बहुत अच्छी बात आपने कही, माशाल्लाह। इन्होंने एक हदीस बताई है और ये अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की अहलिया के मुतालिक है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर सवाल पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं अपने शौहर को ज़कात दे सकती हूँ। उन्होंने जब अपनी ज़कात निकाली, जेवरात पर ज़कात निकाली और जब देने जा रही थी तो उनके शौहर ने कहा कि मैं खुद इतना गरीब हूँ, मुझे ही दे दो। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या मैं अपने शौहर को ज़कात दे सकती हूँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ दे सकते हो और डबल अजर मिलेगा, एक तो ज़कात देने का अजर मिलेगा, दूसरा सिला रहमी का जो रिश्तेदारी का जो अजर होता है वो अजर भी मिलेगा। तो हम ये देखते हैं कि बीवी शौहर को ज़कात दे सकती है लेकिन शौहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, क्योंकि बीवी के अखराजात जो है वो शौहर पर होते हैं और बीवी बहुत मालदार हो तो भी घर के खर्चे की जिम्मेदारी शौहर पर ही है।